शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आप देख रहे हैं सॉल्यूशंस और मैं हूं यूसुफ़ उम्मीद करता हूं आप सब खैरफ़ियत से होंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफ पी एस सी की जानब से रिसेंटली जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट फेज़न टी थ्री के हवाले से एक अपडेट इशू की गई है इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में इस टेस्ट के हवाले से इशू किए जाने वाले पब्लिक नोटिस के हवाले से आप जानेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टेस्ट में अपेयर होने के लिए आप अपना ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट या रोल नंबर स्लिप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करने का यही तरीका फ्यूचर में एफ पी की कि किसी भी जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आप यूज़ कर पाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इस कॉन्टेंट को लाइक और शेयर भी कर दें और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल जुबी को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जनरल रिक्रूटमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए यहाँ आपके पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी स्क्रोल डाउन करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट्स में व्यू आल पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ आठ मार्च दो की एक अपडेट है जो कि जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट फेज वन 2023 के हवाले से इस पे क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से आपके पास विंडो ओपन होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है। है। नोटिस है वो आपके सामने शो होगा यहाँ पे यह कहा जा रहा है की ये टेस्ट पंद्रह मार्च दो से स्टार्ट होंगे ये टेस्ट इस्लामाबाद कराची लाहौर पिशावर कोयटा और गिलगित बल्तिसान के सेंटर में होंगे इस फेज में एप्लीकेंट्स की तादाद कम थी इसलिए कुछ सेंटर्स को शिफ्ट भी किया गया इन सेंटर्स में सकरदू के कैंडिडेट्स गिलगित में अपेयर होंगे इसी तरह गुजरावाला और मुल्तान के कैंडिडेट्स लाहौर में पेपर देंगे और हैदराबाद के कैंडिडेट्स कराची में अपेयर होंगे जबकि डेरा इसमाइल खान के कैंडिडेट्स का टेस्ट पेशावर में कंडक्ट किया जाएगा अवयोज मैं आपको बताता हूँ कि आप रोल नंबर स्लिप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा से इसी पेज पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया टू व्यू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट्स क्लिक इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं सी एन आई सी का एक टैब बना हुआ है यहाँ पे आपने अपना सी एन आई सी नंबर एंटर करना होगा सी एन आई सी नंबर एंटर करने के बाद इसी के नीचे सबमिट लिखा गया है जैसे ही आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट या रोल नंबर स्लिप शो होगी इसको आप कंट्रोल पी प्रेस करके प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर यहाँ पे आप अपना सी एन आई सी एंटर करते हैं जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सी एन आई सी नंबर लिखा है और सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं शो होता तो इसका मतलब यह है कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था इस फेज में उस पोजीशन का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है और वह टेस्ट आने वाले फेजेज में कंडक्ट किया जाएगा जूबी सोल्यूशन के मौजूद दोस्तों आज के स्टूडियो मैंने आपको एफ के जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट फेज वन टू के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस टेस्ट का जो पब्लिक नोटिस है वो भी आपको बताया और इसके साथ साथ आपने ये भी जाना है कि आप एफ की वेबसाइट से किस तरह से अपनी रोल नंबर से आप एडमिशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी इस कॉन्टेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल जूबी सोलूशन को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़